अगर तुमको भी ओनली रेड नंबर वन टैबलेट शॉट मारना है तो तुमको सीक्रेट सेटिंग्स का पता होना चाहिए जो सभी प्रो प्लेयर्स यूज़ करते हैं बाहर के, और राय स्टार भी यूज़ करता है। और तुमको रोटेशन ड्रैग और स्टे ड्रैग सभी ड्रैग्स के बारे में पता होना चाहिए, कैसे ड्रैग करते हैं और लॉन्ग रेंज में कितना ड्रैग करते हैं और शॉर्ट रेंज में कितना ड्रैग करते हैं। तो अगर आपको पता नहीं आपको क्या सीक्रेट सेटिंग्स रखनी चाहिए और कैसे आपको ड्रैग करना है और कौन सा ड्रैग करना है कब, तो आज का वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आज के वीडियो में आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, इतने अच्छे से समझाऊँगा कि आप भी काफ़ी आसानी से ओनली रेड नंबर वन टैब शॉट मारने लगोगे। तो आपको पता ही होगा वन टैप हेड शॉट में रोटेशन ड्रैग का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपको रोटेशन ड्रैग आता होगा, चाहे आपका एम कहीं पे भी हो, फिर भी आप काफ़ी आसानी से वन टैप हेड शॉट लगा पाओगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कुछ सीक्रेट सेटिंग्स के बारे में, और रोटेशन ड्रैग के बारे में और स्ट्रेट ड्रैग के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ सीक्रेट सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको गेम की सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, मतलब की सेंसिटिविटी के बारे में बताऊंगा और कस्टम एचयूडी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं सेंसिटिविटी के बारे में बात करूँ तो जो आपकी दो ऊपर वाली सेंसिटिविटी है ना, जर्नल और रेड डॉट, इन दोनों को आपको 100 कर देना है, क्योंकि आपको रोटेशन ड्रैग का यूज करना है तो इसमें आपको व्हाइट डॉट की भी जरूरत पड़ेगी और रेड डॉट की भी आपको जरूरत पड़ेगी। जर्नल आपकी व्हाइट डॉट के लिए हो गया और कैमरा एंगल मूवमेंट के लिए हो गया, और रेड डॉट जब आपका एम रेड होगा बंदे के ऊपर तो आप जो है अपने रेड डॉट का यूज करोगे। तो इसलिए अपने दोनों सेंसिटिविटी को 100 कर देना। तो कस्टम एचयूडी की बात करूं तो मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, सभी कस्टम एचयूडी के बारे में बताऊंगा, हर पैटर्न के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं ओनली जो है आपको फायर बटन के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपका डिवाइस 4GB से नीचे है तो आपको इसका साइज 50 कर देना है, क्योंकि जितना साइज आप छोटा रखोगे ना उतना ही ज़्यादा ड्रैग होगा, तो इसलिए इसका साइज मीडियम में रखो, 50 रखो। और अगर आपका डिवाइस 6GB से ऊपर है तो आप कितना भी रख सकते हो, मैं जो रखता हूँ मैं आपको बता देता हूँ 65, और जो आपको रखना है 65 रख सकते हो अगर आपका 6GB से ऊपर है, बड़ा भी रख सकते हो और छोटा भी, जितना साइज आपका पहले है 6GB से ऊपर है अगर आपका डिवाइस, तो रख सकते हो कितना भी, पर 65 बेस्ट है, 65 रखना चाहते हो तो रख सकते हो। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको कब कौन सा ड्रैग को यूज़ करना है, और जब आपका एम वाइट हो कब कौन सा करना है, और जब आपका एम रेड हो तब आपको कौन सा करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका एम कहाँ पे रेड हो जाता है और कहाँ पे वाइट है। तो इतना दूर देख सकते हो कि मेरा एम वाइट है, तो जहाँ पे आपको रोटेशन ड्रैग यूज़ करना है, और जहाँ पे देख सकते हो मेरा एम इतना दूर तक मैं रख रहा हूँ ना, तो रेड हो जा रहा है, और जब मैं ना इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो मेरा काफ़ी आसानी से वन टैप हेड शॉट लग रहा है, क्योंकि मैं इस जहाँ पे स्ट्रेट ड्रैग का यूज़ कर रहा हूँ, डायरेक्ट ड्रैग का यूज़ कर रहा हूँ। तो जब आपका एम रेड होगा, बंदे के ऊपर हो या बंदे के साइड में हो, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, सीधा डायरेक्ट ड्रैग कर देना है, मतलब कि स्ट्रेट ड्रैग कर देना है। तो आपको 2 दिन प्रैक्टिस करना है इसका, तो आप काफ़ी आसानी से वन टैप हेड शॉट लगाओगे स्ट्रेट ड्रैग का यूज़ करके, मतलब कि डायरेक्ट ड्रैग का यूज़ करके। तो रोटेशन ड्रैग का आपको मैं अभी बताऊँगा, क्योंकि आपको स्ट्रेट ड्रैग तो बहुत ही ज़्यादा बल्कि आता ही होगा, क्योंकि सभी को आता है स्ट्रेट ड्रैग तो, पर रोटेशन ड्रैग बहुत बंदों को नहीं आता, सभी बंदों को नहीं आता। तो आज की वीडियो में आपको जो है रोटेशन ड्रैग के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ये यूज़ होता है, क्योंकि अगर आपका बंदा राइट में जा रहा है या लेफ्ट में जा रहा है तो आप वहाँ पर स्ट्रेट ड्रैग का नहीं यूज़ कर पाओगे, वहाँ पर आपको रोटेशन ड्रैग का यूज़ करना पड़ेगा। सो गाइस, रोटेशन ड्रैग बताने से पहले, रोटेशन ड्रैग के बारे में बात करने से पहले, मैं आपको जो है जंप प्लस शॉट बताने वाला हूँ, क्योंकि जब आप सुपर जंप का यूज़ करके कोई भी तरीके से वन टैप हेड शॉट लगाओगे, चाहे कोई से भी ड्रैग से, तो आपका यार बहुत ही ज़्यादा मतलब कि चांस बढ़ते हैं वन टैप हेड शॉट के। तो इसीलिए आपको जंप करने के बाद वन टैप हेड शॉट लगाना है। कैसे, तो आपको सबसे पहले रन करना है, फिर गन को हाथ में लेना है, फिर जंप करना है, और फिर अपने फायर बटन को जो है बंदे की तरफ घुमा देना है या ड्रैग कर देना है, और फिर जो दोबारा से भाग लेना है। इससे क्या होता है कि आपके बहुत ही ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं वन टैप हेड शॉट लगने के। तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपका वेपन स्विच करने वाला बटन होता है ना, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि इसको आप थर्ड फिंगर पर भी रख सकते हो, और जो है साइड में लेफ्ट के साइड भी रख सकते हो, और जो राइट के साइड भी रख सकते हो। चाहे आप कोई सा भी ड्रैग का यूज़ करो, चाहे स्ट्रेट ड्रैग का, चाहे रोटेशन ड्रैग का यूज़ करो, तो आपको जो है सुपर जंप का यूज़ करना है हमेशा, जंप प्लस शॉट करना है, मतलब कि जंप प्लस ड्रैग करना है आपको, क्योंकि इससे आपके बहुत ही ज़्यादा चांस बढ़ते हैं वन टैप हेड शॉट लगने के, और इससे आपकी मूवमेंट तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपको इसको हमेशा यूज़ करना है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपका एनिमी किधर जा रहा हो तो आपको कौन सा ड्रैग का यूज़ करना है, रोटेशन ड्रैग या स्ट्रेट ड्रैग का। तो मैंने पहले तो आपको बता दिया आपका एम वाइट हो या रेड हो तब आपको कौन सा ड्रैग का यूज़ करना है। अब मैं आपको बताऊँगा आपके एनिमी की पोजीशन किस तरफ, आपका एनिमी जा रहा है आपके तरफ आ रहा है या स्ट्रेट खड़ा है, तो आपको कौन सा ड्रैग का यूज़ करना है। तो अगर आपका एनिमी राइट और लेफ्ट की तरफ जा रहा हो ना, तो आपको रोटेशन ड्रैग का यूज़ करना है, और आपका एम वाइट होना चाहिए तब आपको रोटेशन ड्रैग का यूज़ करना है। तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, जब आपका एनिमी राइट की तरफ जा रहा हो ना, और या राइट लेफ्ट की तरफ जा रहा हो, तो आपको रोटेशन ड्रैग का यूज़ करना है, या जंप कर रहा हो
तो आपको जो है रोटेशन रैक का यूज़ करना है। तो अब मैं आपको स्ट्रेट रैक के बारे में बता देता हूँ कि आपको स्ट्रेट रैक का कहाँ पर यूज़ करना है। वैसे तो आपको पता ही होगा, पर मैं आपको बता देता हूँ और मैं आपको थोड़ा बता दूंगा कि आपको कैसे रैक करना है। तो जहाँ पे देखो, आपका एनिमी जब आपकी तरफ सीधा स्ट्रेट भाग के आ रहा होगा ना, और जंप कर रहा होगा, मतलब कि सीधा जंप कर रहा होगा और स्ट्रेट खड़ा होगा, जब आपकी तरफ फायर कर रहा होगा स्ट्रेट खड़ा होगा, तो आपको स्ट्रेट ड्रैग का यूज़ करना है। ओनली आपको कुछ नहीं करना, अपना एम रेड करना है और ड्रैग कर देना सीधा। तो आई होप कि आपको चाहे समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो लाइक कर देना वीडियो को अगर जहाँ तक देख रहे हो। तो अब बात कर लेते हैं रोटेशन ड्रैग के बारे में। तो रोटेशन ड्रैग का अगर आपको चाहे सीखना है तो आप मेरी कल वाली वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया रोटेशन ड्रैग के बारे में। उसको जाके पूरा देख लेना ना, तो आप काफ़ी आसानी से रोटेशन ड्रैग का यूज़ करके वंटाबर्ड शो लगा पाओगे। तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और चैनल पे जाके देख सकते हो, कल मैंने वीडियो डाली थी तो जाके देख सकते हो, और कमेंट सेक्शन में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं बात कर लूँ रोटेशन ड्रैग के बारे में, तो रोटेशन ड्रैग में ज़्यादा डीप से नहीं समझाऊंगा, सीधा ऊपर ऊपर जो मेन मेन पॉइंट होते हैं ना रोटेशन ड्रैग के, वो मैं आपको समझा दूंगा। तो जहाँ पे आपको क्या करना होता है, अपना एम वाइट रखना होता है और बंदे की साइड में ड्रैग करना होता है जिस तरफ आपका बंदा जा रहा है। या जैसे कि मान सकते हो मेरा एम बंदे से लेफ्ट के, मतलब मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से, मेरा एम मान लो जे है और मेरा एनमी मेरे एम से राइट की तरफ है। आपको बताओगे राइट क्या होता है, तो मेरा एनमी मेरे एम से राइट की तरफ है तो मैं उस तरफ ड्रैग कर दूंगा। ऐसा नहीं आपको देखना, आप ये गलती करोगे, जिस तरफ आपका एनमी जा रहा है उस तरफ आपको नहीं ड्रैग करना, क्योंकि अगर आपका एनमी अब लेफ्ट से आ रहा होगा आपकी तरफ आ रहा होगा, तो आपका एम आपका एनमी आपके एम से राइट में होगा ना, तो यार आप कहाँ पे ड्राई करोगे। तो इसलिए यार कल की वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने इस पॉइंट को अच्छे से समझाया, तो उसको देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, जब आपका एम से आपका एनमी राइट में है तो आपको राइट की तरफ ड्राई करना है। अगर आपका एम एनमी से जा, मतलब कि आप सोच सकते हो आपका एम से एनमी लेफ्ट की तरफ है, तो आपको लेफ्ट की तरफ ड्राई करना है। ऐसा नहीं आपको देखना कि किस तरफ आपका एनमी भाग रहा है, तो आप गलती कर दोगे तो आपका कभी भी वन टैप अच्छा नहीं लगेगा रोटेशन ड्रैग को यूज़ करके। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा, कहीं भी आपका एनमी जा रहा होगा अगर आप रोटेशन ड्रैग का यूज़ करोगे ना, तो आप काफ़ी आसानी से ओनली रेड नंबर वन टैप हेडशॉट लगा पाओगे। तो इसलिए आप रोटेशन ड्रैग का यूज़ करना, जैसे कि रजिस्टर करता है और बाकी बाहर के प्लेयर्स यूज़ करते हैं, बाकी बाहर के यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं, तो आप वैसे रोटेशन ड्रैग का यूज़ करना। अगर आपको अच्छे से समझना है रोटेशन ड्रैग, तो कल वाली वीडियो भी देख सकते हो जाके चैनल पर। तो गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला नहीं था कि आप लाइक कर दो यार वीडियो को, तो लाइक कर देना यार। अगर वीडियो अच्छा लगे जहाँ तक देखा होगा तो प्लीज़ से लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स का शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर देना वीडियो को। पूरा 8 मिनट तक मेरे को वीडियो लंबा खींचना है, क्योंकि यार 7 मिनट का तो बन गया वीडियो, तो मेरे को पूरा 8 मिनट का खींचना है, क्योंकि डबल ऐड लगा पाऊंगा तो तभी तो डबल ऐड से लगा पाऊंगा, तो इसलिए यार मैं 8 मिनट का वीडियो पूरा खींचूंगा। तो यार आज के वीडियो में इतना ही गाइस, ऐसे सपोर्ट करते रहना, वैसे सपोर्ट तो कर नहीं रहो, तो प्लीज़ से शेयर कर देना एक बार यार, और वीडियो को पूरा देखा करो, और मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं उनको देख सकते हो जाके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय गाइस। 8 मिनट पूरे हो गए, तो बाय।